चलिए ध्यान दीजिए, कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में डाउट्स हैं, है ना, समझिएगा। फर्स्ट वैरायटी में कुछ लोगों को डाउट है। फर्स्ट वैरायटी का प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट वैरायटी प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इफ 1 प्लस आई होल पावर 2n इक्वल 1 माइनस आई होल पावर 2n। बात को समझिएगा, 2n पावर का सीधा सीधा एक्सपेंसर अपन को नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ तो आता है ना, 1 प्लस आई होल स्क्वायर होल पावर n। अपन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो जानते ही है ना, होल स्क्वायर होल पावर n। समझिए, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए। बात को समझिएगा, वन स्क्वायर कितना होगा वन, आई स्क्वायर माइनस वन प्लस टू आई, वन माइनस टू आई, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, टू आई होल पावर एन इक्वल माइनस टू आई होल पावर एन। बात को समझिएगा, अगर हम यहां पे एन की ऐसी क्या वैल्यू होगी, तो इसको और अपन रख लेते हैं, टू आई अपॉन माइनस टू आई होल पावर एन इज इक्वल टू वन, टू भी कट जाएगा आई भी कट जाएगा, क्या बच रहा है, माइनस वन की पावर एन इज इक्वल टू वन। एन की वो कौन सी लीस्ट वैल्यू होगी जिसके लिए माइनस वन की पावर लगाने पे रिजल्ट वन आ जाए, तो वो होगा एन इज इक्वल टू टू, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा प्लस वन। क्लियर हो गया, सिंपल है ना, कुछ मुश्किल है बोलिए, नहीं समझ आया बन जाएगा, इस तरीके से करना आपको। जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करोगे उतना आपको क्या है सॉल्व करने में आसानी रहेगी, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश करनी है, मैथ का नाम ही है कोशिश करना, है ना, कोशिश करेंगे तो ही मैथ बनेगा। अगला प्रॉब्लम देखो, फिर किसी को डाउट है एट्थ प्रॉब्लम में, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर एट, इवैल्यूएट समेशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन अप टू 13। हमने ना क्वेश्चन में वेरिएबल एन यूज किया है, आई टू दी पावर एन प्लस आई टू दी पावर एन प्लस वन, महसूस कीजिएगा, हमने क्या है एन इज इक्वल टू वन से लेकर 13 तक रखने हैं, और सिग्मा मतलब होता है समेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहता है इसका वैल्यू फाइंड करो, एन का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, एन इक्वल वन से लेके 13 तक, और सिग्मा मतलब समेशन फाइंड करना है। चलिए मैं इसको लिख सकता हूं आई वन प्लस आई टू प्लस आई क्यूब प्लस आई टू दावर फोर प्लस आई टू दावर फाइव प्लस कहां तक, आई टू दावर 13 तक प्लस। अब मैं इसको लिख सकता हूं आई टू दावर, मैं एन का वैल्यू वन लिखूंगा तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, आई टू दावर थ्री प्लस आई टू दावर फोर प्लस आई टू दावर फाइव प्लस आई टू दावर 14। समझ रहे हैं बात को, एक्चुअल में रखा तो मैंने 13 है, लेकिन उधर ऑलरेडी n प्लस वन लिखा है, तो 13 प्लस वन कितना 14, समझ आ गया बन जाएगा। अब आगे देखो, अब हम ना इसको अरेंज करते हैं i प्लस आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू दावर फोर प्लस आई टू दावर फाइव आई टू दावर सिक्स आई टू दावर सेवन आई टू दावर एट। नोटिस कीजिए 12 तक चला जाएगा, बचेगा आई टू दावर 13 प्लस, इसमें आ जाओ आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू दावर फोर आई टू दावर फाइव, ये बन गया एक ग्रुप, आई टू दावर सिक्स आई टू दावर सेवन आई टू दावर एट आई टू दावर नाइन चला जाएगा, ये दो से स्टार्ट हुआ है 13 तक चला जाएगा, बचेगा क्या आई टू दावर 14। ऐसे चार चार के बंडल बना दिए मैंने, अब आप महसूस कीजिए आई तो यार आई है, आई स्क्वायर माइनस वन है, आई क्यूब माइनस आई होता है, और आई टू दावर फोर प्लस वन होता है प्लस, ऐसे ही इसमें होता है आई, ये आई स्क्वायर बचेगा तो माइनस वन माइनस आई प्लस वन चलता रहेगा, और आखिर में आता है आई टू दावर 13। फोर के बंडल्स में रखेंगे तो 12 तक तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आई। जैसे भी तक हम करते थे ना, बड़ी पावर को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, फोर से डिवाइड करके कोसाइन प्रोडक्ट जो भी है ना प्लस। इसको देख लो यार,
आई स्क्वायर माइनस वन, आई क्यूब माइनस आई, आई टू बार फोर प्लस वन, आई टू बार फाइव माइनस आई सॉरी प्लस आई, ऐसे ही इसका भी बन जाएगा माइनस वन माइनस आई प्लस वन प्लस आई, ऐसे चलता रहेगा। आखिरी बचेगा आई टू बार फोर्टीन, फोर्टीन को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, फोर से डिवाइड करेंगे, फोर थ्री जा ट्वेल्व, दो पावर बचेंगी मतलब आई स्क्वायर बचेगा। चलो देखो आई आई खत्म वन वन खत्म, आई आई खत्म वन वन खत्म, ऐसे आई आई खत्म वन वन खत्म, आई आई खत्म वन वन, ये खत्म होते जा रहे हैं सब कुछ। बच क्या रहा उधर पे आई, और उधर पे क्या बच रहा है माइनस वन। आंसर आ गया समेशन ऑफ i to the power n plus i to the power n plus 1 from i equal to 1 up to 13 will be i minus 1। समझ आ गया, सिंपलीफाई करना था ना, कंजुगेटिव पावर्स के चार चार के पैटर्न बना दो ना तो रिजल्ट जीरो हो जाता है। देख रहा ना, तो सामने देख रहा भाई, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, समझ में आ रहा ना, प्रैक्टिकली ये सब कुछ है ना। मिटा इसको, छापो जल्दी जल्दी, छापो स्पीड से। चलिए और आपके डाउट देखते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को सिंप्लीफिकेशन में डाउट होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में या ए प्लस आई बी में ट्रांसफॉर्म करने में, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, मुझे पता है। कंजुगेट में भी किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं डिफरेंट वैरायटी का। अपना प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए, टाइप 2 का, टाइप 2 का प्रॉब्लम नंबर 8, टाइप 2 का प्रॉब्लम नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, एकदम हटके है ये टाइप 2 में, बाकी सब तो पढ़ाए हुए हैं टाइप 2 में, मैंने आपको लगभग सारे पढ़ा दिए, बट यही थोड़ा सा डिफरेंट है 8th वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41, ठीक है ना यार, ये सॉरी गलती से इक्वल में जीरो लिख गया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इक्वल में जीरो नहीं है, ये गलती से लिख गया, ये लगभग सारे प्रॉब्लम्स में जीरो लिख गया, सब गलत हो गया सॉरी। ये 8th और 9th दो में जीरो, 9th का तो ठीक है प्रूफ करना है, लेकिन 8th में गलती से जीरो लिख गया है, 8th में गलती से जीरो लिख गया है, सॉरी उसको हटा दीजिएगा, बाकी 9th में तो प्रूफ करना है तो बात ही अलग है। चलो देखो 8th करता हूं मैं, और आपको गिवन क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस टू माइनस थ्री आई। अब आप बात समझना, आपको इसका वैल्यू चाहिए और रियल वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए आपको रियल, तो आप इसको भी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप x को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें कि रिजल्ट क्या आए रियल आए, ठीक है ना। अब आप बात समझो, एक और सोचने वाली बात, यार x तो खुद इमेजिनरी है, है ना, एक्स खुद इमेजिनरी है, अब वो सॉरी कॉम्प्लेक्स है, आप इसको रियल कैसे बनाओगे, तो बात समझना, इसको रियल बनाने के लिए ही मेहनत कर रही है मेन अपन को, क्योंकि एक्स हमारे सामने कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझिए, सबसे पहले ना मैं आई वाली टर्म्स को अकेले छोड़ देता हूं, एक्स प्लस टू इक्वल माइनस थ्री आई, यार अगर आई का स्क्वायर हो जाए, अगर आई का स्क्वायर हो जाए तो आपको पता है आई का अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ये जो इमेजिनरी है ना ये रियल बन जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस वन। चलो आओ देखते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस थ्री आई होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और माइनस थ्री का स्क्वायर होगा नाइन और आई का होगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बोलिए, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन। क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थर्टीन इक्वल जीरो, ये आपके लिए एक सपोर्टिंग पैरामीटर मिल गया, क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थर्टीन का वैल्यू क्या होने वाला है जीरो होने वाला है। कोई बात नहीं, जैसा आप चाह रहे हैं वैसे ही होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन में, पी ऑफ एक्स में आते हैं, इक्वल इन तीनों में कॉमन क्या है, शुरू के तीन टर्म्स में, शुरू के तीन टर्म्स में कॉमन है एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, समझिएगा माइनस एक्स प्लस 41। चलिए देखिएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 13 का वैल्यू कितना है जीरो, तो हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हैं माइनस फोर एक्स माइनस 13, और रखते हैं
टू है, एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, माइनस फोर एक्स माइनस थर्टीन प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, बाहर माइनस एक्स प्लस फोर्टी वन, ब्रैकेट का ध्यान रखना गलती हो जाएगी वरना, माइनस एट एक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, आगे समझना एक्स स्क्वायर ये कितना बचेगा माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स में सेवन सब्ट्रैक्ट करेंगे नाइनटीन बचेगा। चलो आगे देखो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस नाइनटीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर्टी वन, यार इन तीनों में कॉमन क्या है माइनस एक्स, अंदर क्या बचेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स प्लस वन प्लस फोर्टी वन। अब समझना एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस फोर एक्स माइनस थर्टीन, चलो जल्दी से पुट कर देते हैं, थ्री टाइम्स ऑफ माइनस फोर एक्स माइनस थर्टीन प्लस नाइनटीन एक्स प्लस वन प्लस फोर्टी वन, समझिए जल्दी से माइनस थ्री फोर जर ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टी नाइन प्लस नाइनटीन एक्स प्लस वन प्लस फोर्टी वन, देखिएगा ये तो माइनस एक्स है, माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइनटीन एक्स कितना आएगा सेवन एक्स, माइनस थर्टी नाइन प्लस वन कितना आएगा माइनस थर्टी एट, ठीक है ना समझिएगा प्लस फोर्टी वन। चलिए माइनस एक्स को वापस से अंदर भेजिए, भेजेंगे तो क्या मिलेगा माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एट एक्स प्लस फोर्टी वन, चलिए माइनस सेवन तो बाहर है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस फोर एक्स माइनस थर्टीन, ये रख दिया मैंने प्लस थर्टी एट एक्स प्लस फोर्टी वन, आगे समझना सेवन फोर जा ट्वेंटी एट एक्स प्लस थर्टी सेवन जा नाइनटी वन प्लस थर्टी एट एक्स प्लस फोर्टी वन, बात